किस बेदर्दी से ऑर्डर मिलता था कि हर कमांडर को 50,000 हिंदुओं के सर कटे हुए मिलने चाहिए, और हम आज के दिन भी बैठ के पढ़ के कहते हैं हाँ ये तो है, हाँ ये था बस, लेकिन बेटे का नाम तैमूर। सर जैसे वो मियां मिट्टू एक कैरेक्टर है यहाँ पर जो हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाता है, उसके साथ हर लीडर की तस्वीर है, कोई उसको कुछ नहीं कहता। उसकी अभी रिसेंटली एक वीडियो तक रिलीज हुई है, उसमें 12-13 साल की बच्ची को जबरदस्ती वो जो है मुसलमान बना रहा है। तो उसके ऊपर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ह्यूमन राइट्स वाले क्यों कुछ नहीं करते। चलो हाँ यहाँ पे तो सब जो है वो एक डरपोक और बेकार लोग बैठे हुए, लेकिन आखिर ये चीज कब तक चलेगी, कैसे रोकी कैसे जाए इसको, क्या करें? मैं तो पहले समझता था मियां मिट्टू कोई तोते का नाम है, ऑनेस्ट टू गॉड मैं जोक समझता था। ये पहली दफा मैंने ये अजीब से लिबास में आदमी को देखा है। देखिए जब आप जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को किडनैप करके उनको रेप करके फिर उनको मुसलमान बना के किसी वडेरे के हवाले कर रहे हैं, अगर जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है तो अब तक तो आपको हैरानी ये होनी चाहिए कि जूते क्यों नहीं पड़ रहे, शायद पढ़ ही रहे इस वजह से। इट्स हॉरिफिक, आपको पूरी सिंध जो है वहीं से तो सारा हिंदुस्तान है, सिंधु दरिया से ही निकला है, जहां हिंदू का बेस है, जहां से मोहनजोदारो है, सब कुछ है, वहां से आप हिंदू साफ करना चाह रहे हैं। ये ऐसी बात है कि मक्का से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, एंड नोबडी गेट शॉक्ड बाय दिस फैक्ट। आप किसी के कहें भाई आपने तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला के तबाह कर दिया, और बख्तियार जिसने जलाया उसके नाम पे रेलवे स्टेशन लगा हुआ है वहीं पे बिहार में बख्तियारपुर। हमारी एक तो हिंदूज हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द मैडनेस दैट वी हैव इन्फ्लिक्टेड। देखिए द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जेनोसाइड हैज बीन कमिटेड ऑन हिंदूज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओवर मे बी 800 ईयर्स, तैमूर के और इन सब के पढ़े आप, तो उसके बाबरी पढ़िए, ये सब यू विल बी शॉक्ड कि किस बेदर्दी से ऑर्डर मिलता था कि हर कमांडर को 50,000 हिंदुओं के सर कटे हुए मिलने चाहिए, और हम आज के दिन भी बैठ के पढ़ के कहते हैं हाँ हाँ ये तो है, हाँ ये था बस, लेकिन बेटे का नाम तैमूर रख दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? कौन अपना नाम औरंगजेब रखता है, बाबर रखता है? ये सोचने वाली बात है ना। तो जब हमारी ज़हनियत में नहीं है और हमारी हरकतें ऐसी हैं तो इस्लामोफोबिया तो होगा ना सर, यहाँ पे जो भी कह दें, लेकिन वी आर इन अ सिचुएशन जहां हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं है कि कोई रंग को कहे कि यार माय नेबर इज अ मुस्लिम, यू नो इट्स सच वंडरफुल पीपल। कभी ये डायलॉग आप नहीं सुनेंगे पूरी दुनिया में।